आप देख रहे हैं हार ना मनाए, ये नाम ही क्यों रखा मैंने शो का? भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली मुबारक, होली मुबारक। भिखारी गया भाई, आउट हो गया वर्ल्ड कप से, मैदान खाली हो गया, मजा आ गया भाई, गंदगी उठ गई। तो बाबर आजम पर बेशुमार लानते, जितनी बाबर आजम पर मैं आज लानते भेजूं उतनी कम है। ही इज अ लायर, इज अ वेरी 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 बैड लायर, कह लो कि झूठा इंसान। फखर जमान को नहीं आ रहा जिसने खिलाया, इस बंदे के पुत्र ने, किसी गधी के बच्चे ने अगर आज फखर जमान को खिलाया होता तो 350+ टारगेट होता हमारे पास। दोस्तों आज साउथ अफ्रीका ने घुसा दिया पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड कप से कर दिया बाहर। लंबी लंबी बातें करने वाले आज सबसे पहली टीम है जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और घर का रास्ता देख लिया है। हम अपने न्यूबॉर्न बेबी से हारे हैं, जिसको हम अपना न्यूबॉर्न बेबी कहते थे, बाप ने उससे ऐसी मुंह की खाई है कि उसको पता चला है कि हाँ हारना इसको कहते हैं, शिकस्त इसको कहते हैं, कि एंड पे बॉलर से बॉलर आउट नहीं हो रहा यार। हमें अब जान मारनी है यार, क्यों हार के जान क्यों मारनी है, हारने के बाद जान क्यों मारनी है। नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका से अहम मैच हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेटरों को गाली पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले नंबर पर बाबर आजम को ज़्यादा गाली पड़ रही है। दोस्तों यही नहीं, वो ये भी बोल रहे हैं, रिजवान जब से ग्राउंड में नमाज पढ़ा है तब से लगातार पाकिस्तान मैच हार रहा है। दोस्तों अब उनका ये भी कहना है अब तो वर्ल्ड कप से बाहर हो ही गया है, क्योंकि बचे हुए मैच में और नाक न कटवा सके। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये लेटेस्ट वीडियो को, मिलते हैं वीडियो के बाद में। तो भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली मुबारक, होली मुबारक। भिखारी गया भाई, आउट हो गया वर्ल्ड कप से, मैदान खाली हो गया, मजा आ गया भाई, गंदगी उठ गई। सबको मुबारक हो, ढेर ढेर मुबारक भी टोल अफगानिस्तान तहत अख्तर मुबारक सा। साउथ अफ्रीका तो तरफ जामुन की मुर्तख्ता की। तो दोस्तों आज साउथ अफ्रीका ने घुसा दिया पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड कप से कर दिया बाहर। लंबी लंबी बातें करने वाले आज सबसे पहली टीम है जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और घर का रास्ता देख लिया है। अब दोस्तों जाने के जो है दिन आ चुके हैं इनके, वापस घर वाघा बॉर्डर से पैदल या चलांग मार के जाएंगे दीवारों से। आप बड़ा ध्यान रखना, जिस होटल में ये लोग ठहरे हैं वहां के पर्दे, वहां का बेडशीट, वहां के चम्मच, वहां के प्याले कटोरे लोटे कुछ भी उठा के लेके जा सकते हैं ये लोग, बड़ा ध्यान रखना। अब ये वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, अब इनको ये जो एक दो दिन ये लोग अभी और मजीद हिंदुस्तान में है, इनको और बिरयानी मत खिलाओ भाई, अब इनको दाल खिलाओ, क्योंकि ये दाल इनके बाप दादाओं की निशानी है। इनको दाल खिलाओ ये दो दिन, और काफी ज्यादा मिर्ची डालो उस दाल में ताकि भाई बल बाहर आ जाए। मजा आ गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका को, पूरे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को मुबारक हो, गंदगी खत्म हो गई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, खुशी का दिन है, काफी ज्यादा खुशी का दिन है। मंदिर के घंटे को सबने बजा के रख दिया भाई, किसी ने भी नहीं छोड़ा, सब ने ठोक दिया, सब ने चपेटे मारी है। वर्ल्ड कप जीतेगा। बाबर आजम पर बेशुमार लानते, जितनी बाबर आजम पर मैं आज लानते भेजूं उतनी कम है। ही इज अ लायर, इज अ वेरी 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 बैड लायर, कह लो कि झूठा इंसान। फखर जमान को नहीं आ रहा जिसने खिलाया, इस बंदे के पुत्र ने, किसी गधी के बच्चे ने अगर आज फखर जमान को खिलाया होता तो 350+ टारगेट होता हमारे पास, और पाकिस्तान एंड पे विन विन सिचुएशन। पेट निकाल के भागने का स्टैमिना नहीं है, बॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरी साइड पे बैटिंग हो रही है, ये इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, ये परफॉर्मेंस है सीरियसली हमारे पाकिस्तानियों की, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए यार। ओडीआई की हम कहते हैं जी नंबर वन रैंकिंग पर टीम है हमारी, क्या टीम थी हमारी ओडीआई की, फजूल टीम है। सिद्रा क्या कहोगी,
पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना आज पाश पाश हो गया। हमारे तमाम अरमानों पर हमारी टीम ने पानी फेर दिया। क्या जज्बात और तासुरात हैं, पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेगा? जज्बात सीरियसली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हर्ट हुई हैं आज, स्पेशली पाकिस्तान की जो इनफैक्ट मैंने आज एंड तक वेट किया। आई वाज लाइक पाकिस्तान जीतेगा। मुझे 10:30 हो गए यहाँ पर बैठे बैठे, हर एक बॉल देखी मैंने, विकेट्स गिरती हुई देखी मैंने, पाकिस्तान की एफर्ट देखी मैंने आज यहाँ पर जाकर। लिटरली आई वॉज क्राइंग इन द कॉर्नर के नहीं नहीं, पाकिस्तान को जीतना चाहिए आज, लाजमी इसको जीतना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आज डिज़र्व किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो बाबर आजम पर बेशुमार जितनी बाबर आजम पर मैं आज लानते भेजूं उतनी कम है। ही इज अ लायर, इज अ वेरी 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 बैड लायर कह लो कि झूठा इंसान। फखर जमान को नहीं आ रहा जिसने खिलाया, इस बंदे के पुत्र ने, किसी गधी के बच्चे ने अगर आज फखर जमान को खिलाया होता तो 350+ टारगेट होता हमारे पास और पाकिस्तान एंड पे विन विन सिचुएशन में होता। इसने कुछ ऐसा नहीं किया, फिर 9 विकेट्स ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका की गिर चुकी थी। आप अगर डिकॉक का चेहरा देखते वो भी रो रहा था बैठ के पता नहीं आज के मैच का क्या होना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो कि कह लें कि 400+ टारगेट देती है। एंड लास्ट में जब स्पिनर को भेज दिया, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कर क्या रहे हो वहां पर? चलो शाहीन शफीदी के ओवर्स कम हो गए थे, प्लेयर्स बचा के रखते कि एंड पे बॉलर से बॉलर आउट नहीं हो रहा। ये इतनी पता नहीं बाबर आजम, वो कहीं मुझे मिल जाए ना मैं उसके इतने बाल खींच उसको गंजा टकला करूं मैं। इतना गुस्सा हो यार, आई स्वेयर। सिद्रा एक लास्ट चौके ने पाकिस्तान क्या छक्के छुड़ा दिए हैं। एग्जैक्टली यही तो हुआ है। चार मैं कहती हूँ, फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी यार, बॉलर्स ने जी जान लगाई है, बट एट द एंड ऑफ द डे यही बात कि बाबर आजम एक नंबर का, सॉरी टू से, वो कराची की लैंग्वेज में कहते हैं कि बढ़वा है, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, इसको कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि कप्तान की बजाय इसको डायरेक्ट पाकिस्तान भेजो, गंदे नाले से भेजो इसको, इसकी अक्ल आए थोड़ी सी, किसी डैश का बच्चा ना हो तो मुझे इतनी गंदी गालें जिसके लिए आ रही है। ओह सो मच, इतना गुस्सा, बहुत गुस्सा है यार मुझे, मैं अभी रो नहीं रही हूँ, मुझे अब इतना क्रोध इस पर चढ़ा हुआ है। इंसान भी हैं, वेलकम भी किस मुँह से करूँ, आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं शायद 92 में भी टीम एक दफ़ा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। खैर जो हुआ सो हुआ, बैटिंग हमारी कलैप्स कर गई, रन रेट पता नहीं हमारा क्या था, पहले 10 ओवरों में हमने पता नहीं कितने 55 रन किए हैं, अगले 10 ओवरों में उससे कम किए हैं, आखिरी हमारी 5 विकेट 45 रन पे चली गई। यार 4 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करता, ये आवाम वेट करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी वेट करते हैं, मुल्क का बच्चा बच्चा वेट करता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, जो दुनिया में नहीं आया होता वो 2-3 का हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता, आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके, अब दुखी हैं तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो, लोग 3-3 दिन, अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे, आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते, हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती, बिल्कुल होती है। आखिरी उम्मीद थी पिछले मैच, पहला मैच हारे, ओ अभी इंशाल्लाह रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है, दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है, वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे, आज फिर हार गए, यार ठीक है फाइट की वर्ल्ड कप से तो हार गए ना, क्या फायदा अब ऐसी जीत का अगर आप वर्ल्ड कप में। दोस्तों दुनिया की हर जनता को अपने टीम से प्यार होता है कि हमारा टीम ही मैच जीते तो उनका भी हर्ट होना बनता है, अगर उसका टीम हार जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों की वजह से इनको मायूसी का सामना करना पड़ा है। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।